नवाचार के क्षेत्र में ग्वालियर में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में लाल टिपारा गौशाला में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। लाल टिपारा गौशाला में दो बायो सीएनजी प्लांट के शुभारंभ के साथ साथ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन हुआ है। प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जहां गाय के गोबर से बायो सीएनजी बनेगी। लाल टिपारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के संचालन के लिए 100 टन गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 3 टन तक सीएनजी और सर्वोत्तम गुणवत्ता का 20 टन जैविक खाद तैयार किया जाएगा। लाल टिपारा गौशाला कार्बन उत्सर्जन रोकने में वैश्विक आदर्श बनेगी। हिंदू धर्म का सच्चा अर्थ स्वच्छता है। स्वच्छता की सोच, स्वच्छता की विचारधारा, स्वच्छता कार्य पद्धति में। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है, जिन्होंने हरी क्रांति के साथ श्वेत क्रांति और डेयरी डेवलपमेंट का कार्य किया। 10 वर्ष आज हो चुके हैं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के, जहां देश में एक क्रांति निकल पड़ी है जो विश्व स्तर की हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में एक नई उत्साह एक एक देशवासी में पूर्ण दोबारा अर्जित किया है। और आज लाल टिपारा के गौशाला के बायो सीएनजी प्लांट के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ आईओसी को, नगर निगम को, आदर्श गौशाला को। करीब करीब 700 टन गैस का उत्पादन होगा, 14,000 टन प्राकृतिक गोबर का उत्पादन होगा। पूज्य बापू महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं इस मौके पर हमारे दोनों श्रद्धा के केंद्र नेताओं को अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। आज स्वच्छ भारत अभियान को भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 2 अक्टूबर का दिन है। इन 10 वर्षों में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, उन सबको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।